गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं रमेश चंद सनवाल आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल लर्न कंप्यूटर विद RCS में। अपने प्रीवियस वीडियो में आपके ढेर सारे व्यूज और कमेंट्स को देखकर मैं काफ़ी मोटिवेट हुआ, उसके लिए आप सभी का धन्यवाद। इसी तरह आप मेरे वीडियोस को लाइक और शेयर करते रहिए, मैं आपके लिए नए वीडियोस बनाता रहूँगा। आज भी मैं आपके लिए एक वीडियो लेके आया हूँ जिसमें हम UKSSC, UKPSC, बैंकिंग, रेलवेज और ग्रुप सी और अन्य कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में कंप्यूटर फील्ड से आने वाले कुछ नए क्वेश्चंस को डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को कंप्लीट देखें और इसे सुनकर आप अपने नोट्स तैयार कर लें, ताकि आने वाले कंपिटिटिव एग्जामिनेशन में आपको कंप्यूटर फील्ड से रिलेटेड क्वेश्चंस को बनाने में कोई भी परेशानी नहीं होगी। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि आपको मेरे आने वाले वीडियोस की इन्फॉर्मेशन मिल जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन है, इन माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट विच काइंड ऑफ साउंड फाइल्स कैन बी एडेड टू द प्रेजेंटेशन। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में हम जब प्रेजेंटेशन बना रहे होते हैं तो उसमें हम किस टाइप की साउंड फाइल अपने प्रेजेंटेशन में स्लाइड्स में ऐड कर सकते हैं, ये पूछना चाह रहा है। ऑप्शंस आपको दिए हैं .wav एंड .gif फाइल्स, .wav एंड .jpg फाइल्स, .jpg एंड .gif फाइल्स एंड .wav एंड .mid फाइल्स। ठीक है, तो क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा कि माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में हम क्या बनाते हैं, स्लाइड्स बनाते हैं, उन स्लाइड के बीच में हम क्या कर सकते हैं, म्यूजिक भी ऐड कर सकते हैं। तो उन म्यूजिक को ऐड करने के लिए हम किस टाइप की साउंड फाइल को उसमें ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो आंसर है इसका .wav एंड .mid फाइल्स। ओके, WAV का मतलब होता है वेव फ्रॉम ऑडियो फाइल फॉर्मेट। ठीक है, IBM ने इसको डेवलप किया था, ये साउंड की फाइल का एक टाइप है। ठीक, और इसी तरह .mid भी क्या है, कंटेन करता है म्यूजिक डेटा को। ठीक है, तो ये भी साउंड से रिलेटेड फाइल्स हैं। ठीक, और अदर ऑप्शंस की बात करूं तो WAV आपको समझ में आ गया, .gif जो एक्सटेंशन होता है वो आपका ग्राफिक्स फाइल का एक्सटेंशन होता है, ये साउंड फाइल से इसका मतलब नहीं है। ऐसे ही .jpg की बात करूं तो ये इमेज फाइल का एक्सटेंशन होता है। ओके, तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा .wav एंड .mid फाइल्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस रो ऑफ अ टेबल इज नोन एज। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में किसी टेबल की रो क्या कहलाती है, फील्ड कहलाती है, रिकॉर्ड कहलाती है, डेटा कहलाती है, टाइप। ठीक है, तो आंसर है इसका रिकॉर्ड। ओके, तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस क्या होता है, ये एक माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पैकेज का एक क्या है, एप्लीकेशन है, जिसके अंदर हम क्या क्रिएट करते हैं, डेटाबेस क्रिएट करते हैं। ठीक है, और डेटाबेस क्या कंटेन करता है, रोज और कॉलम्स के फॉर्म में टेबल्स बनी होती हैं डेटाबेस में। ठीक, तो वही पूछना चाह रहा है कि एक रो क्या कहलाती है, उसको हम बोलते हैं रिकॉर्ड। ठीक है, और डिफरेंट इसके ऑप्शंस की बात करूं तो सबसे पहले है फील्ड। फील्ड क्या होते हैं, जो ये कंप्लीट रिकॉर्ड की मैंने बात की, तो रिकॉर्ड क्या किससे मिलके बने होते हैं, फील्ड से मिलके बने होते हैं। सपोज एक आपने कोई डेटाबेस बनाया है जिसमें आपने स्टूडेंट्स की इन्फॉर्मेशन स्टोर कर रखी है, उसमें आपने स्टूडेंट का नेम, ID, फादर्स नेम, मदर्स नेम एंटर कर रखे हैं, तो ये जो नेम, ID, फादर्स नेम और मदर्स नेम है, ये क्या कहलाएंगे, उसके फील्ड्स कहलाएंगे, और इन सबको इन फील्ड से मिलकर के क्या बन जाएगा, आपका रिकॉर्ड बन जाएगा। ठीक है, डेटा आप जानते हैं, रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स आर नोन एज डेटा। एंड टाइप, टाइप डिसाइड व्हाट टाइप ऑफ डेटा यू आर यूजिंग इन योर डेटाबेस, उस डेटाबेस में आप किस टाइप का डेटा यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, जैसे सपोज आपका अगर आप स्टूडेंट की आईडी इंटर कर रहे हैं तो वो इंटीजर फॉर्म में होगी। ठीक है, और अगर आपका स्टूडेंट का नेम यूज़ कर रहे हैं तो वो स्ट्रिंग के फॉर्म में होगा, कैरेक्टर्स के फॉर्म में होगा। ओके, तो ये था आपका सेकंड क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। इन कंप्यूटर द प्रोसेस ऑफ बूटिंग इज नॉट डन ड्यू टू द अब्सेंस ऑफ, मतलब कि इनमें से किसकी अब्सेंस के कारण आपका बूटिंग प्रोसेस नहीं हो पाता कंप्यूटर में। ठीक है, वो लोडर, कंपाइलर, ऑपरेटिंग सिस्टम और असेंबलर। ठीक है, किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, मतलब मुझे बूट करने के लिए, तो बूटिंग क्या होता है, बूटिंग होता है कंप्यूटर को स्टार्ट करना। ठीक है, कंप्यूटर जब हम स्टार्ट करते हैं तो एक प्रोसेस उसमें होती है, उसमें क्या होता है, आपका जो सिस्टम फाइल्स होती हैं वो आपकी हार्ड डिस्क से कहाँ कॉपी होती है, मेन मेमोरी में कॉपी होती है, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं बूटिंग। ठीक है, तो उसके लिए मुझे किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, आंसर है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। बूटिंग को प्रोसेस को करने के लिए कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि मैंने पहले भी कहा है कि इसको हम क्या बोलते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर बोलते हैं, ये पूरी ओवरऑल एक्टिविटी को परफॉर्म करता है आपके कंप्यूटर की। ठीक है, तो समझ में आ गया बात आपको। कंपाइलर क्या है आपका, कंपाइलर एक ऐसा प्रोग्राम है
जो कन्वर्ट करता है आपके हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में, ठीक है। ऐसी असेंबलर है, असेंबलर एक आपका प्रोग्राम होता है जो कन्वर्ट करता है असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में, और लोडर एक ऐसा प्रोग्राम होता है जो इंस्ट्रक्शंस को प्रोसेसर्स में लोड करने में मदद करता है, ठीक है। तो इस ढंग से ये आपका क्वेश्चन का आंसर है कि बूटिंग के लिए हमें क्या जरूरत पड़ती है, ऑपरेटिंग सिस्टम की जरूरत पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है MICR स्टैंड्स फॉर, MICR का फुल फॉर्म बताना है, मैग्नेटिक इंक कोड रीडर, मैग्नेटिक इंक केस रीडर, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर, नन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर, ओके। तो ये MICR बेसिकली बैंकिंग इंडस्ट्री में यूज़ किया जाता है, आपके जो चेक होती हैं, जो बैंक में चेक यूज़ होते हैं पैसा विड्रॉ करने के लिए, उनकी प्रोसेसिंग और क्लियरेंस के लिए इस रीडर का यूज़ किया जाता है। इसको रीडर बोल लीजिए या हम यहाँ पर रिकग्निशन भी बोल सकते हैं, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकग्निशन, ठीक है। तो ये आंसर हो गया इसका, MICR आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट की बात कर लेते हैं क्वेश्चन की, शॉर्टकट की यूज फॉर स्वैपिंग बिटवीन बिगिनिंग एंड एंड ऑफ पेज। अब माना आप किसी पेज में काम कर रहे हैं, कोई टाइप कर रहे हैं, लेटर टाइप कर रहे हैं, सपोज MS Word की बात करूँगा, कई सारे पेजेस हैं इसमें, तो उसमें आपका बिगिनिंग पेज में जाने के लिए और लास्ट में जाने के लिए, अगर मुझे तुरंत बिगिनिंग में जाना है फिर लास्ट में जाना है, तो उसके लिए कौन सी शॉर्टकट कीज मैं यूज़ करूँगा। वैसे तो स्क्रॉल बार होता है, लेकिन स्क्रॉल बार को बार बार आपको नीचे ऊपर ले जाने में काफ़ी टाइम लग जाएगा, तो इसलिए आप शॉर्टकट की का यूज़ करेंगे। वो शॉर्टकट की कौन सी होती है, आंसर है इसका कंट्रोल प्लस होम। कंट्रोल प्लस होम से वो बिगनिंग में चला जाएगा कंट्रोलर आपका, और कंट्रोल प्लस एंड से आपका वो एंड पेज पर पहुंच जाएगा, ठीक है। तो शॉर्टकट से रिलेटेड क्वेश्चंस भी काफ़ी बार पूछा जाता है आपके एग्जाम्स में, तो इसको भी आप सही से याद कर लें, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट, कंप्यूटर मैनिपुलेट्स द डेटा इन मैनी वेज, दिस मैनिपुलेशन इज नोन एज। कंप्यूटर का मेन काम क्या होता है, डेटा को मैनिपुलेट करना। मैनिपुलेट का मतलब सिंपली हम कह लें कि कुछ एक्शन को परफॉर्म करना, ठीक है। तो कौन सा उस मैनिपुलेशन को क्या बोलते हैं, कह रहा है अपग्रेडिंग बोलते हैं, बैचिंग बोलते हैं, यूटिलाइजिंग बोलते हैं, या प्रोसेसिंग बोलते हैं, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, मैनिपुलेशन जो कंप्यूटर करता है उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, आंसर इसका प्रोसेसिंग। क्योंकि कंप्यूटर बार बार हमने कहा है कि क्या करता है, डेटा को प्रोसेस करता है, डेटा को प्रोसेस करता है, और प्रोसेस करके हमें क्या देता है, इन्फॉर्मेशन देता है, ठीक है। आगे बात समझ में, तो ये है आपका अपग्रेड करना, अपग्रेडिंग आपको समझ में आता है, किसी चीज़ को कुछ उसमें नई चीज़ जोड़ना, अपग्रेड करना मतलब उसमें कुछ नया ऐड करना, ठीक है। बैच प्रोसेस यूज़ होती थी पहले से, स्टार्टिंग के ऑपरेटिंग सिस्टम में ये प्रोसेस यूज़ होती थी बैचेस में, जिसमें क्या होता था कि सिमिलर टाइप की प्रोसेसेस को एक साथ इनबिल्ट करके कंप्यूटर के पास भेजा जाता था, ताकि वो वन बाय आपका क्या हो जाए, प्रोसेस हो जाए आसानी से, ठीक है। और यूटिलाइज करना, किसी चीज़ को यूज़ करना, वो यूटिलाइजेशन हो गया। तो आज का आंसर हो गया आपका प्रोसेसिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द की F12 इन MS Word यूज फॉर, एक शॉर्टकट की है, आपने देखा होगा कि आपके कीबोर्ड में F1 से लेकर के F12 तक कीज़ बनी होती हैं, ठीक है, इनको फंक्शन कीज़ बोलते हैं, ठीक। तो उसमें F12 की का यूज़ MS Word में किस चीज़ के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो आंसर ऑप्शन है आपके पास, ओपन डायलॉग बॉक्स, सेव डायलॉग बॉक्स, सेव एज डायलॉग बॉक्स, और ओपन हेल्प मेन्यू, ठीक है। तो इसका आंसर है आपका सेव एज डायलॉग बॉक्स, ठीक है। आपने देखे होंगे फाइल मेन्यू में आप सेव और सेव एज ऑप्शन आपके पास आते हैं, तो सेव एज ऑप्शन का यूज़ तब किया जाता है जब हम सेम फाइल को किसी दूसरे नाम से दूसरी लोकेशन पे सेव करना चाहते हैं, ठीक है। तो सेव एज डायलॉग बॉक्स ओपन होता है कब, F12 की प्रेस करने से MS Word में। एक क्वेश्चन है, द कॉमन नेम ऑफ साइबर क्राइम इन विच एन ईमेल इज सेंड फ्रॉम अ फॉल्स सेंडर एड्रेस एंड आस्क द रेसिपिएंट टू प्रोवाइड द सेंसिटिव डेटा। साइबर क्राइम से रिलेटेड क्वेश्चन है। साइबर क्राइम को आप जान रहे हैं कि जितने भी हमारे ऑनलाइन सारे वर्क आजकल के हो रहे हैं, ऑनलाइन हो रहे हैं, कोई भी ट्रांजेक्शन हम कर रहे हैं ऑनलाइन कर रहे हैं, कोई परचेजिंग खरीद रहे हैं, खरीद फरोख भी हम किसे कर रहे हैं ऑनलाइन कर रहे हैं, तो क्राइम भी अब बदल चुका है, अब लोग ऑनलाइन क्राइम कर रहे हैं, उन्हीं को हम साइबर क्राइम कहते हैं। तो उसी में कह रहा है कि आपके पास अगर कोई मेल आता है फॉल्स सेंडर से और आपसे वो पूछता है सेंसिटिव डेटा के बारे में, आपकी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को पूछता है, तो उस प्रोसेस को उसके लिए क्या टर्मोलॉजी यूज़ की जाती है साइबर क्राइम में, तो उसे बोलते हैं, ऑप्शन आपको दिया हुआ है स्पूलिंग, स्पूफिंग, आइडेंटिटी थेफ्ट और हैकिंग। आंसर है आपका स्पूफिंग, उस टर्म को क्या बोलते हैं हम, स्पूफिंग बोलते हैं। अदर आपके ऑप्शंस की बात करूं तो इसमें स्पूलिंग लिखा है। स्पूलिंग जो टर्म रिलेटेड है वो डेटा से रिलेटेड है, जिसमें डेटा जो है टेम्परेरली किसी मेमोरी में थोड़ी देर के लिए होल्ड रहता है,
कहने का मतलब है अगर माना कई सारी प्रोसेसेस कंप्यूटर में रन हो रही हैं, तो एक बार में एक प्रोसेस रन होगी तो बाकी सारी प्रोसेसेस क्या होंगी, आपकी होल्ड में रहेंगी, कहीं किसी टेम्परेरी मेमोरी में स्टोर रहेंगी जब तक उनका नंबर नहीं आ जाता। जैसे हम एग्जांपल ले सकते हैं प्रिंटर में, जब हमने काफ़ी सारी प्रिंटिंग कमांड दे दी, कई सारे पेजेस को प्रिंट करने की कमांड दे दी, तो क्या होगा कि एक बार में एक पेज प्रिंट हुआ तो बाकी सारी जो प्रिंटिंग कमांड हैं वो कहाँ होल्ड रहेंगी, वो किसी टेम्परेरी मेमोरी में होल्ड रहेंगी, और जब उनका नंबर आएगा तो वो फिर प्रिंट होंगी वन बाय वन। ठीक है, तो क्यू टाइप की बन जाती है, क्यू, ठीक है, जिसमें वन बाय वन आपके कमांड्स फिर क्या होती हैं, प्रोसेस होती हैं, तो उसको बोलते हैं स्पूलिंग। और अगला है आइडेंटिटी थेफ्ट। आइडेंटिटी थेफ्ट भी साइबर क्राइम से रिलेटेड है, जिसमें हम क्या यूज़र क्या करता है, डेलिबरेटली किसी की आइडेंटिटी को यूज़ कर लेता है और ताकि उसको फाइनेंशियल बेनिफिट हो। डेलिबरेटली मतलब किसी का यूज़र आईडी और पासवर्ड आप यूज़ कर लेंगे, ठीक है, और ताकि आपको कुछ फ़ायदा हो सके उससे, तो उसको आइडेंटिटी थेफ्ट बोलते हैं। और हैकिंग भी इसी से रिलेटेड है, साइबर क्राइम से रिलेटेड है। इसका मतलब होता है गेनिंग अनऑथराइज एक्सेस इनटू अ कंप्यूटर, किसी के कंप्यूटर में अनऑथराइज तरीके से उसको एक्सेस कर लेना, ठीक है, तो वो कहलाता है आपका हैकिंग कहलाता है। तो ये थे 8th क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, इन कंप्यूटर मैलवेयर्स आर, कंप्यूटर में मैलवेयर्स क्या होते हैं, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होते हैं, सर्च इंजन होते हैं, गेमिंग सॉफ्टवेयर होते हैं, मेलिशियस सॉफ्टवेयर होते हैं, ठीक है, तो इसका आंसर है मेलिशियस सॉफ्टवेयर होते हैं, ठीक है। तो मैलवेयर की मैं बात करूं तो मैलवेयर क्या होते हैं, ऐसे प्रोग्राम होते हैं जो आपके कंप्यूटर को डैमेज करने के लिए बनाए जाते हैं, ठीक है, वायरस भी इसी के अंदर आ जाता है, वॉर्म्स, स्पाईवेयर, एडवेयर, ट्रोजन होर्स, ये सब किस कैटेगरी में आ जाते हैं, मैलवेयर्स की कैटेगरी में आ जाते हैं। तो सिंपली प्रोग्राम्स होते हैं जो आपके कंप्यूटर को डैमेज करने के लिए, आपके डेटा को करप्ट करने के लिए बनाए जाते हैं, ठीक है। और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर्स की मैं बात करूं जो आपके काम को और आसान बनाते हैं आपके कंप्यूटर में, उनको यूटिलिटी सॉफ्टवेयर्स बोलते हैं, ठीक है। सर्च इंजन एक आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की तरह ही काम करता है, जिसमें आप इन्फॉर्मेशन को क्या करते हैं, सर्च करते हैं, लाइक गूगल, गूगल क्या है, एक सर्च इंजन है जिसमें आप इन्फॉर्मेशन को क्या करते हैं, सर्च करते हैं, ठीक है। और गेमिंग सॉफ्टवेयर के बारे में आपको पता है, कई सारे ऐसे एप्लीकेशन हैं जिनकी मदद से आप गेम प्ले कर सकते हैं। तो मैलवेयर्स आपको समझ में आ गया होगा, मेलिशियस सॉफ्टवेयर्स होते हैं। नेक्स्ट है GIF स्टैंड्स फॉर, GIF का फुल फॉर्म पूछ रहा है, ऑप्शन आपको दिए हुए हैं जियो इंटरचेंज फॉर्मेट, ग्राफिक इंटरकनेक्शन फॉर्मेट, ग्राफिक इंटरचेंज फॉर्मेट, ग्राफिक्स इंटरफेस फॉर्मेट, ठीक है, सही से आपको पहले ऑप्शंस को पढ़ना है उसके बाद आंसर देना है। इसका आंसर है ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट, ठीक है। तो अभी भी थोड़ी देर पहले मैंने बात की थी कि जो GIF होता है वो एक्सटेंशन होता है कौन सी फाइल का, आपकी ग्राफिक्स रिलेटेड फाइल्स का एक्सटेंशन होता है, ठीक है। तो ये फाइल एक्सटेंशन से ही हमें पता चलता है कि वो किस टाइप की फाइल है, ये भी हमने पहले बात की थी कि किसी फाइल के दो नेम होते हैं, एक प्राइमरी नेम होता है, एक एक्सटेंशन नेम होता है। प्राइमरी नेम यूजर के द्वारा दिया जाता है और एक्सटेंशन नेम कंप्यूटर उसको प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो उसमें भी GIF भी क्या है, एक एक्सटेंशन नेम है जिसकी मदद से हम पता चलता है कि फाइल किससे रिलेटेड है, ग्राफिक्स रिलेटेड फाइल है। तो इसका फुल फॉर्म हो गया ग्राफिक इंटरचेंज फॉर्मेट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, फाइल एक्सटेंशन नेम ऑफ एमएस वर्ड फाइल, एमएस वर्ड में आप कोई फाइल बनाते हैं और उसको सेव करते हैं तो उसका जो डिफॉल्ट एक्सटेंशन नेम होगा जिसकी मदद से वो पहचानी जाएगी वो फाइल एमएस वर्ड की फाइल है, तो वो क्या होता है, .txt होता है, .docx होता है, .pptx होता है, .fil होता है। आंसर है इसका .docx, ठीक है। तो किसी भी वर्ड की फाइल का जो एक्सटेंशन आप देखेंगे तो docx मिलेगा। अगर मैं .txt की बात करूं तो ये टेक्स्ट फाइल का होता है, जैसे सपोज आप नोटपैड में कोई फाइल टाइप करते हैं और उसको सेव करेंगे तो उसका एक्सटेंशन .txt होगा। और .pptx की मैं बात करूं तो ये पावर पॉइंट की फाइल का एक्सटेंशन होता है, अगर आप कोई पावर पॉइंट की फाइल को देखेंगे तो उसका एक्सटेंशन .pptx मिलेगा। और .fil तो किसी का एक्सटेंशन नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट की बात कर लेते हैं क्वेश्चन की, नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 KB इज इक्विवेलेंट टू हाउ मेनी बाइट्स, 1000 बाइट्स, 2000 बाइट्स, 1024 मेगाबाइट्स एंड 1024 बाइट्स, ठीक है। तो आंसर इसका है 1024 बाइट्स, ठीक है। तो बेसिकली ये क्या है, ये मेमोरी को की यूनिट्स हैं, ठीक है। तो स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होती है मेमोरी की, बिट होती है, बिट के बाद निबल, फिर बाइट, फिर किलोबाइट, ठीक है। तो इस ढंग से चलता है प्रोसेस, तो 1 KB इज इक्विवेलेंट टू 1024 बाइट्स, ओके। फिर ये मेगाबाइट है, मेगाबाइट क्या है, उससे बड़ी यूनिट है मेमोरी की, स्टोरेज की। नेक्स्ट,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, द आईसी चिप्स यूज इन कंप्यूटर मेड ऑफ विच मेटल? कंप्यूटर में जो चिप बनी होती हैं, इंटीग्रेटेड चिप्स, वो किस मेटल की बनी होती हैं? क्रोमियम की, आयरन ऑक्साइड की, सिलिकन की या सिल्वर की? और आंसर है आपका सिलिकन की। वो किस मेटल से बनी होती है? सिलिकन मेटल से बनी होती हैं। और जो आईसी चिप्स सबसे पहले यूज की गई थी वो कब की गई थी? थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स में यूज की गई थी आईसी चिप्स का, ठीक है। उसके बाद आपकी आपका लार्ज स्केल इंटीग्रेशन और आपका VLSI और अल्ट्रा लार्ज स्मॉल इंटीग्रेशन टेक्निक के मदद से इन चिप्स को और क्या कर दिया गया, कॉम्प्रेस करके बहुत छोटा बना दिया गया, ताकि आपके कंप्यूटर्स क्या हो गए, आप बहुत स्मॉल हो गए, ठीक है, और पोर्टेबल भी हो गए, आप आसानी से एक प्लेस से दूसरे प्लेस ले जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, HTTP स्टैंड्स फॉर, HTTP का फुल फॉर्म क्या है? हायर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, हाइब्रिड टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर टोटल प्रोटोकॉल। तो इसका आंसर है आपका हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। बेसिकली प्रोटोकॉल क्या होते हैं? प्रोटोकॉल्स होते हैं कम्युनिकेशन के लिए कुछ रूल्स बनाए गए हैं। जब दो डिवाइसेस कम्युनिकेट करती हैं तो दे हैव सम सेट ऑफ रूल्स, दे आर नोन एज प्रोटोकॉल्स, ठीक है। तो उसी में से एक प्रोटोकॉल है आपका हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये वहाँ यूज किया जाता है जहाँ पर आप हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर कर रहे हैं। हाइपर टेक्स्ट कंटेन करता है आपका टेक्स्ट, ऑडियो, वीडियो, कोई एक ऐसा पेज जो आप जिसमें आपके टेक्स्ट भी मौजूद हो, ऑडियो भी मौजूद हो, वीडियो भी मौजूद हो, सम ग्राफिक्स भी मौजूद हो, तो उस पूरे पेज को हम बोलेंगे वो हाइपर टेक्स्ट से रिलेटेड पेज है। उस पेज को अगर आपको ट्रांसमिट करना है एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में, नेटवर्क में, तो इस प्रोटोकॉल का यूज़ किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, फर्स्ट टू यूनिट्स ऑफ CPU आर कंट्रोल एंड मेमोरी, व्हाट इज द थर्ड यूनिट? सिंपल क्वेश्चन है कि CPU की तीन यूनिट होती हैं, उनमें से दो यूनिट आपको दी हैं कंट्रोल और मेमोरी, थर्ड यूनिट क्या है? कह रहा है माइक्रो है, प्रोसेसिंग है, आउटपुट है, अर्थमेटिक एंड लॉजिक है। आंसर है इसका अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट, ठीक है। तो CPU की तीन यूनिट होती है, एक कंट्रोल यूनिट होती है, एक मेमोरी यूनिट होती है, और तीसरी होती है अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट, जिसमें हम अर्थमेटिक से रिलेटेड और लॉजिकल डिसीजंस को लिया जाता है CPU के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, द ट्रांसमिशन बिटवीन CPU एंड इनपुट आउटपुट यूनिट इज कंट्रोल बाय, क्योंकि आपका आप यूजर को कंप्यूटर को जो डेटा प्रोवाइड करते हैं वो किसकी मदद से देते हैं? इनपुट डिवाइसेस की मदद से देते हैं, ठीक है। अब फिर वो डेटा कहाँ जाता है आपके पास? प्रोसेसिंग CPU के पास जाता है, और फिर इसको CPU कहाँ भेजता है? आउटपुट यूनिट्स के पास भेजता है, ठीक है। तो ये जो प्रोसेसिंग होती है, ये ट्रांसमिशन होता है, ये किसके द्वारा कंट्रोल किया जाता है ये पूछना चाह रहा है। ALU के द्वारा कंट्रोल किया जाता है, मेमोरी यूनिट के द्वारा कंट्रोल किया जाता है, या कंट्रोल यूनिट के द्वारा कंट्रोल किया जाता है, या नन ऑफ दीज? तो आंसर है आपका कंट्रोल यूनिट। तो ये पूरा ट्रांसमिशन जो CPU और इनपुट आउटपुट डिवाइसेस यूनिट के बीच ट्रांसमिशन होता है, उसको कंट्रोल किया जाता है CPU की कौन सी यूनिट के द्वारा? कंट्रोल यूनिट के द्वारा, ठीक है। अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में बात की थी CPU की तीन यूनिट होती हैं, ALU, मेमोरी और कंट्रोल, ठीक। व्हाट इज द मेन वर्क ऑफ CPU? सिंपल सा क्वेश्चन है कि CPU का मेन वर्क क्या है? टू स्कैन द टेक्स्ट, टू प्रोसेस डेटा, टू एक्सेप्ट इनपुट, टू स्टोर डेटा। आंसर है इसका प्रोसेस डेटा। CPU का मेन वर्क क्या है? प्रोसेस करने का, ठीक है। स्कैन और टेक्स्ट को स्कैन करने के लिए स्कैनर एक डिवाइस होती है जिसके मदद से हम स्कैनिंग करते हैं। एक्सेप्ट इनपुट, इनपुट को एक्सेप्ट करने के लिए इनपुट डिवाइसेस होती हैं। स्टोर द डेटा, स्टोर डेटा को स्टोर करने के लिए स्टोरेज डिवाइसेस होती हैं, लाइक हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव, CD, ठीक है। तो CPU का मेन वर्क हो गया डेटा को प्रोसेस करना। 18 क्वेश्चन इज, प्रोसेस डेटा इन कंप्यूटर नोन एज, कंप्यूटर में प्रोसेस डेटा किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन हैं रॉ डेटा, ऑफ फाइल, इन्फॉर्मेशन, नन ऑफ द अबव। आंसर है इसका इन्फॉर्मेशन। हमने अभी बात की थी कि आपका जो CPU है वो क्या करता है, डेटा को प्रोसेस करता है, और प्रोसेस करने के बाद उसको इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। और रॉ डेटा हो गया जो उसको इनपुट डिवाइस की मदद से प्रोवाइड किया जाता है, ओके। तो रॉ डेटा को हम अनप्रोसेस डेटा भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, MS ऑफिस, फोटोशॉप, एनी मैजिक आर एग्जाम्पल ऑफ, MS Office, Photoshop और Animagic किसके एग्जाम्पल हैं? डिवाइस ड्राइवर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम्स। तो आंसर है इसका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ये सब क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स हैं, ठीक है। सॉफ्टवेयर आपके टू टाइप्स के होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर आ जाता है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम, और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कई सारे होते हैं जो पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करने के लिए डेवलप किए जाते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है।
तो उन्हीं में से एमएस ऑफिस भी है, फोटोशॉप भी और एनीमेजिक भी हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के पार्ट है। उसी तरह डिवाइस ड्राइवर की बात करूँ तो डिवाइस ड्राइवर क्या होते हैं, किसी हार्डवेयर को रन कराने के लिए जिस फाइल की मुझे ज़रूरत होती है या प्रोग्राम की मुझे ज़रूरत होती है उसको हम डिवाइस ड्राइवर बोलते हैं। जैसे अब सपोज प्रिंटर आप यूज़ कर रहे हैं तो प्रिंटर को आपको अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करने के लिए एक प्रोग्राम की ज़रूरत होगी, उसी को आप डिवाइस ड्राइवर कहेंगे। ठीक है, तो हर किसी हार्डवेयर का अपना एक ड्राइवर होता है सिंपली, और फाइल होती है उसके साथ जो उसको हेल्प करती है। नेक्स्ट, पिक आउट द ऑड वन, इनमें से डिफरेंट ढूंढना है, ऑड ढूंढना है कि तीन सेम होंगे और चौथा अलग है वो कौन सा है, वो देखना है हमें। कंपाइलर, असेंबलर, इंटरप्रेटर और वर्ड प्रोसेसर, आंसर है इसका वर्ड प्रोसेसर। ठीक है, कंपाइलर, असेंबलर और इंटरप्रेटर क्या है, ये ट्रांसलेटर है, ये क्या करते हैं हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, कंपाइलर क्या करता है पूरे इंस्ट्रक्शन को एक साथ आपका कन्वर्ट करता है, इंटरप्रेटर एक बार में एक इंस्ट्रक्शन को कन्वर्ट करता है, और असेंबलर क्या करता है असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। और वर्ड प्रोसेसर की बात करूँ तो वर्ड प्रोसेसर में क्या होते हैं आप कुछ चीज़ टाइप वगैरह कर सकते हैं, एम एस वर्ड या टेक्स्ट एडिटर जितने भी होते हैं वो वर्ड प्रोसेसर के अंदर आ जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट SQL स्टैंड्स फॉर, SQL का फुल फॉर्म पूछ रहा है, सीरियल क्वेरी लैंग्वेज, स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज, स्ट्रक्चर क्वेश्चन लैंग्वेज, सिंपल क्वेरी लैंग्वेज। तो SQL का फुल फॉर्म है स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। SQL एक लैंग्वेज है जो किस में यूज की जाती है, डेटाबेस में यूज की जाती है, डेटाबेस में मैनिपुलेशन के लिए। अगर मुझे डेटाबेस से कोई इंफॉर्मेशन को रिट्रीव करना है तो मैं इसी लैंग्वेज में क्या लिखता हूँ, क्वेरीज लिखता हूँ, और उन्हीं क्वेरीज की मदद से मुझे इन्फॉर्मेशन क्या होती है रिट्रीव होकर मिलती है। ठीक है, तो डेटाबेस बनाने की एक लैंग्वेज है SQL। ठीक है, नेक्स्ट है थ्रेसरस टूल इज यूज्ड इन एमएस ऑफिस। ठीक है, एमएस ऑफिस में थ्रेसरस टूल यूज़ किया जाता है, वो किस चीज़ के लिए यूज किया जाता है, स्पेलिंग चेक, ग्रामर ऑप्शन, सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स, ऑल ऑफ द अबव। तो आंसर है इसका सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स जानने के लिए। ठीक है, तो एमएस ऑफिस में एक टूल होता है जिसकी मदद से आप किसी वर्ड का सिनोनिम्स और एंटोनिम्स जान सकते हैं, उसको बोलते हैं थ्रेसरस टूल। स्पेलिंग चेक के लिए भी इसमें एक ऑप्शन होता है। ठीक है, और ग्रामर चेक के लिए भी एमएस ऑफिस में एक ऑप्शन होता है जिसकी मदद से आप किसी आप जो टाइप कर रहे हैं सेंटेंस उसकी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स को आप क्या कर सकते हैं रिमूव कर सकते हैं। नेक्स्ट है व्हाट इज द स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट फॉन्ट साइज अवेलेबल इन फॉन्ट साइज टूल इन फॉर्मेटिंग टूल बार इन वर्ड 2007। वर्ड 2007 में अगर आप काम कर रहे हैं तो वहाँ फॉर्मेटिंग टूल बार में जो आपको फॉन्ट साइज टूल होता है उसमें स्मॉलेस्ट फॉन्ट साइज क्या है और लार्जेस्ट फॉन्ट साइज क्या है ये आपको बताना है। 8 and 17, 6 and 72, 8 and 96 एंड 6 and 96, 8 and 72 सॉरी। ठीक, तो कौन सा ऑप्शन है इनमें से, आंसर है आपका 8 and 96। स्मॉलेस्ट जो फॉन्ट साइज होता है वो 8 होता है और लार्जेस्ट फॉन्ट साइज होता है 96। ठीक है, तो इतना बड़ा आप उसको कर सकते हैं फॉन्ट को। फिर आप मैन्युअली अगर उससे बड़ा चाहते हैं तो मैन्युअली इंटर करके भी आप उसका साइज क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं फॉन्ट का। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द लैंग्वेज यूज्ड इन फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर फॉर प्रोग्रामिंग। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स में प्रोग्राम बनाने के लिए कौन सी लैंग्वेज का यूज किया जाता था, बेसिक, कोबोल, असेंबली या मशीन। आंसर है इसका मशीन लैंग्वेज। तो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में मशीन लैंग्वेज का यूज किया जाता था। मशीन लैंग्वेज किन में काम करती है, बाइनरी इंस्ट्रक्शंस में काम करती है, 0 and 1 के फॉर्मेट में काम करती है, तो इसमें काम करना काफ़ी टफ था। उसके बाद फिर असेंबली लैंग्वेज डेवलप हुई और फिर धीरे धीरे हाई लेवल लैंग्वेजेस डेवलप हुई जो यूज़र फ्रेंडली लैंग्वेजेस हैं जो अब यूज़ की जा रही हैं, लाइक आपकी C++, जावा, पाइथन, ये सब क्या है आपकी हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं जिनमें प्रोग्राम बनाना काफ़ी आसान रहता है। नेक्स्ट है विच डिवाइस इज यूज्ड इन सेकंड जनरेशन कंप्यूटर। सेकंड जनरेशन कंप्यूटर्स में कौन सी डिवाइस यूज की गई, ICs, VLSI, वैक्यूम ट्यूब्स, ट्रांजिस्टर्स। आंसर है इसका ट्रांजिस्टर। सेकंड जनरेशन कंप्यूटर्स में क्या यूज की गई, ट्रांजिस्टर यूज की गई। वैक्यूम ट्यूब्स किस में यूज की गई, फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स में। ICs किस में यूज की गई, थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स में। और VLSI जो ये टेक्निक है ये किस में यूज की जा रही है, फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर्स में और फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर्स में। ULSI अल्ट्रा लार्ज स्मॉल इंटीग्रेशन टेक्निक भी यूज की जाती है फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर्स में। नेक्स्ट है द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में के मैं प्रोग्राम बनाने के लिए कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज किया जाता है, C++, विजुअल बेसिक, प्रोलॉग और फोटोन। आंसर है प्रोलॉग। ठीक है, इसका फुल फॉर्म होता है प्रोग्रामिंग इन लॉजिक, क्योंकि हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जब बात करते हैं तो वहाँ बात होती है लॉजिक की। इस टेक्निक में ऐसे सिस्टम ऐसे आपके एक्सपर्ट सिस्टम बनाए जा रहे हैं जो ह्यूमन की तरह क्या करें, बिहेव करें।
ठीक है, तो ऐसे रोबोट्स बनाए जा रहे हैं, तो उनका उनको लॉजिक प्रोवाइड करने के लिए इसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज़ किया जाता है। बाकी ये सब क्या है, आपकी हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं, C++, विजुअल बेसिक, इसमें प्रोग्रामर अपने प्रोग्राम्स बनाता है, कोई एप्लीकेशन जनरेट करता है। नेक्स्ट है, विच सिटी इज नोन एज सिलिकन वैली इन इंडिया, इंडिया की कौन सी सिटी सिलिकन वैली के नाम से जानी जाती है, आंसर है इसका बेंगलुरु, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज बायोस, बायोस क्या है, चिप, प्रोसेसर, मेमोरी और प्रोग्राम, आंसर है इसका प्रोग्राम। तो अगर मैं बायोस की बात करूँ, बायोस का फुल फॉर्म है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। एक्चुअली ये क्या होता है, फर्मवेयर प्रोग्राम होता है जो बूटिंग प्रोसेस के दौरान हार्डवेयर को इनिशियलाइज करने में मदद करता है। फर्मवेयर का मतलब होता है कि प्री रिटन कुछ ऐसे कोड्स इसमें लिखे हुए हैं जो बूटिंग प्रोसेस के दौरान हार्डवेयर को इनिशियलाइज करने में और ऑपरेटिंग सिस्टम को कुछ सर्विसेज प्रोवाइड करने में मदद करते हैं, जिसकी मदद से आपका बूटिंग प्रोसेस सही से आपका कंप्यूटर बूट हो जाता है। बूटिंग प्रोसेस में बताइए आपको, बूटिंग प्रोसेस का मतलब होता है कंप्यूटर को स्टार्ट करना, ठीक है, तो बायोस मदद करता है कंप्यूटर को स्टार्ट करने में सिंपली। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ इंटरनेट ब्राउजर, इनमें से कौन सा इंटरनेट ब्राउजर नहीं है, फायरफॉक्स, गूगल क्रोम, फॉक्स प्रो, इंटरनेट एक्सप्लोरर, तो आंसर है इसका फॉक्स प्रो। बाकी तीनों क्या है, इंटरनेट ब्राउजर्स हैं। तो इंटरनेट ब्राउजर का यूज़ क्या होता है, वेब पेजेस को डिस्प्ले करने में मदद करते हैं, ऐसी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो वेब पेज को डिस्प्ले करने में मदद करते हैं, ठीक है। कोई भी हमें वेबसाइट हमें अगर सर्च करनी है तो हम इंटरनेट ब्राउजर एप्लीकेशन ओपन करते हैं और उसमें वेब एड्रेस इंटर करते हैं, तब जो आपको उनके वेब पेजेस को दिखाता है उस वेबसाइट के। और फॉक्स प्रो की बात करूँ तो फॉक्स प्रो क्या है, एक डेटाबेस लैंग्वेज है, पुराने टाइम पर यूज़ की जाती थी, ठीक है। नेक्स्ट है, फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटर इज डेवलप्ड बाय, फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटर अगर मैं कंप्यूटर की फील्ड में इन्वेंशन की बात करूँ तो उसमें फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटर किसके द्वारा डेवलप किया गया, जोसेफ मैरी, ब्लेजी पास्कल, हार्वर्ड आई क्रेन, अबाकस, आंसर है इसका ब्लेजी पास्कल के द्वारा, ठीक है, एक मैथमेटिशियन थे जिन्होंने मैकेनिकल कैलकुलेटर डेवलप किया था, ठीक है। और यहाँ अबाकस भी एक नाम आ रहा है, अबाकस एक्चुअली क्या है, ये भी एक कैलकुलेटिंग डिवाइस है, काफ़ी टाइम पहले 600 BC से पहले यूज़ की जा रही है, जिसकी मदद से पुराने टाइम पर कैलकुलेशन होती थी, ठीक है। तो इसको भी आप एक कंप्यूटर की तरह मान सकते हैं, क्योंकि कंप्यूटर क्या है, एक डिवाइस है जो कैलकुलेट करने में मदद करती है, ठीक है। तो ये था आपका कंप्लीट क्विज, जिसमें हमने 30 क्वेश्चंस आपके कंप्यूटर के डिस्कस किए, लेकिन आपने हमने इसको डिटेल में डिस्कस किया है, तो अगर आप इसको सही से नोट करेंगे तो एटलीस्ट आपके 100 क्वेश्चंस क्या हो जाएंगे, इससे तैयार हो जाएंगे कंप्यूटर के, और जो आपको फ़ायदा देंगे आपके आने वाले एग्जाम्स में। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से मुझे बता सकते हैं, और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए क्वेश्चंस के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।